तो देख ले हमारे साथ जरा इन फार्मूलाज को हम रिविजिट करते हैं। तो हमारे साथ एक इक्वेशन मैंने लिख लिया, n इज इक्वल टू दिस इज n नॉट e पावर माइनस लेमडा, दिस इज माइनस लेमडा इनटू t। और इस इक्वेशन को यूज करके मैंने वो मीन लाइफ को एक्सप्रेस कर लिया कि मीन लाइफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लेमडा। और यहां से आप ये क्लियरली कह सकते हैं कि जितना हमारे साथ ये जो डीके कांस्टेंट है ये जितना ज्यादा होगा तो उतना हमारे साथ मीन लाइफ क्या होगा ये कम होगा, क्योंकि जितना हमारे साथ ये लिम्डा ज्यादा होता है तो इट मीन लिम्डा क्या है, ये हमारे साथ डीके कांस्टेंट है, मीन डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा। डीके कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब ये है कि हमारे साथ फिर वहां पर जो डीके होगी, डीके यानी डीके रेट पर एन, ये क्या होगा, ये ज्यादा होगा। यानी एक गिवन अमाउंट में से जो डीके रेट है वो ज्यादा होगा, और जब डीके रेट ज्यादा होगा तो इट मीन कि 63.2% जब डीके होंगे तो वो जल्दी या वो बहुत जल्दी 63.2% डीके होंगे। तो इट मीन कि हमारे साथ फिर मीन लाइफ क्या होगा, मीन लाइफ हमारे साथ कम होगा, यानी कम टाइम में 63.2% डीके पहुंच जाएगा। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हमारे साथ फिर हाफ लाइफ क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो भी हमारे साथ कम होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा डीके होती है तो कम टाइम में आपका उत्पादन 50% तक रिड्यूस होता है। तो एक मैंने यहां पर देख ले इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन हमने एक्सप्रेस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क है, हमने क्या मालूम करना है, टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन व्हाट, द रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड हाफ लाइफ, इन लेमडा और हाफ लाइफ के दरमियान एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, यहां पर तो हम ये समझ गए कि रिलेशन हमारे साथ इनवर्स आएगा। जरा अब इसको डिराइव करते हैं, तो इस इक्वेशन से शुरुआत लेते हैं। एज आई नो कि एन किसके बराबर है, दिस इज एन नॉट एंड दिस इज ई पावर माइनस लेमडा इनटू टी। अब देख ले मैंने किसके दरमियान रिलेशन मालूम करना है, लेमडा इन हाफ लाइफ। तो आप देख ले इस इक्वेशन में हमारे साथ लेमडा तो मौजूद है लेकिन इस इक्वेशन में हाफ लाइफ नहीं है। हाँ, इसमें हमारे साथ टाइम जरूर मौजूद है, दिस टी इज एनी टाइम। तो हम इस तरह करते हैं कि टी की जगह पर हम क्या डालते हैं, तो टी की जगह पर हम डालते हैं हाफ लाइफ, तो डाल दे। अब जब टाइम हमारे साथ कितना हो गया, एक हाफ लाइफ, तो इट मीन यहां पर एन फिर कितना होगा। तो जानते हैं कि हाफ लाइफ वो टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें एन क्या होता है, एन बिकम हाफ। तो देयर इज इस एन की जगह पर आएगा एन नॉट बाई टू एंड दिस इज एन नॉट एंड दिस इज ई पावर माइनस लेमडा। और अब इसकी जगह पर आई विल राइट दिस इज हाफ लाइफ, क्योंकि ये एन नॉट और ये एन नॉट कैंसिल होंगे, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज ई पावर माइनस लेमडा एंड दिस इज हाफ लाइफ। और ये पावर माइनस है तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो ई पावर लेमडा इंटू हाफ लाइफ। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और ये इसके साथ, तो ये होगा e पावर लेमडा एंड दिस इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू दिस इज 2। यहां पर ये e जो है इसके पावर में ये दो चीजें आए हैं, लेमडा इनटू टाइम। अब हमने इस e को खत्म करना है तो हमारे साथ इस तरह नेचुरल लागत ऑफ e ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1। अगर आप कैलकुलेटर पर भी दे, नेचुरल लॉग ऑफ ई दिस इज इक्वल टू 1। जिस तरह एक कॉमन लॉग होता है, द कॉमन लॉग ऑफ 10 इट इज इक्वल टू 1। तो दैट इज व्हाई इसको खत्म करने का तरीका ये है कि यहां पर भी आप नेचुरल लॉग ले और यहां पर भी आप नेचुरल लॉग ले। तो अब यहां पर बनेगा दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ 2 पावर लेमडा, सॉरी 2 नहीं, नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर लेमडा इनटू हाफ लाइफ इज ln ऑफ 2। और हमने लॉग में से एक ये भी पढ़ा था कि लॉग ऑफ ए पावर एक्स, तो
तो ये जो हमारे साथ x है, ये आप आगे लिख सकते हैं, this is x and this is ln of a. But that is why ये हमारे साथ जो power है, आप इसको आगे लिख सकते हो, this is lambda and this is of life and this is ln of e is equal to ln of 2. और ये जो हमारे साथ ln of e है, तो ये 1 के बराबर है, तो this is lambda into half life and this is ln of 2. और ln of 2 अगर आप कैलकुलेटर पर दे दे तो ये 0.693 के बराबर है, तो यहाँ पर आएगा दिस इज लिम्डा एंड दिस इज हाफ लाइफ इज 0.693. और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि द हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लिम्डा. इट इज वाई क्लियरली, और जो मैंने बताया था कि हम रिलेशन मालूम करेंगे हाफ लाइफ और लिम्डा के दरमियान, तो ये हमारे साथ वो रिलेशन है बिटवीन द हाफ लाइफ एंड द लैम्डा. हम देख रहे हैं कि जितना हमारे साथ डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा, तो हमारा सब्सटेंस बहुत जल्दी डीके होगा, बहुत कम टाइम में उसका तादाद हाफ होगा. अब देख ले, अब हमने रिलेशन मालूम करना है मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ के दरमियान. दैट इज वाई अगर आप देख ले तो मेरे साथ यही फार्मूला आप दोबारा लिख ले कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 and this is 1 divided by lambda, और 1 divided by lambda आप देख रहे हैं कि किसके बराबर है 1 by lambda, this is equal to mean life. तो हमारे साथ आएगा 1/2, this is 0.693 and this is what, this is mean life. डिवाइड कर ले 0.693 को दोनों साइड से. अगर आप 0.693 को डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा mean life is equal to 1 divided by this one, 1.44, and this is half life. और आप क्लियरली देख रहे हैं कि मीन लाइफ हमारे साथ ज्यादा है या हाफ लाइफ, तो हमारे साथ जो मीन लाइफ है इट इज ग्रेटर देन व्हाट, इट इज ग्रेटर देन द हाफ लाइफ. और ये कितना ग्रेटर है, दिस इज बाय हाउ मच. कीप इन माइंड द मीन लाइफ इज ग्रेटर देन द हाफ लाइफ बाय हाउ मच, दिस इज बाय 44%. हमारे साथ मीन लाइफ ज्यादा है, हमारे साथ हाफ लाइफ ज्यादा है, तो मीन लाइफ हमारे साथ ज्यादा है हाफ लाइफ से. और कितना ज्यादा है, द मीन लाइफ इज ग्रेटर देन द हाफ लाइफ बाय हाउ मच, दिस इज बाय 44%. अब हम जरा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं, ग्राफिकल डिस्कशन करते हैं अबाउट द लैम्डा, क्योंकि हमारे साथ जो n है ये बराबर है n नॉट e पावर माइनस लैम्डा इनटू t, और आप दोनों साइड को डिवाइड कर ले n नॉट से, तो दिस इज n बाय n नॉट इज e पावर माइनस लैम्डा इनटू t. और यहां से मैंने इस e को खत्म करना है, तो आप दोनों साइड पर लाग ले ln ऑफ n बटा n नॉट is equal to ln of e power minus lambda into t. क्योंकि ये हमारे साथ पावर में है, तो ये हम इस तरह लिखेंगे minus lambda into t ln of e, and this is ln of n बटा n naught. और ये ln of e 1 के बराबर है, तो हमारे साथ बनेगा ln of n बटा n naught is equal to minus lambda into t. And that is why, keep in mind, ye lambda hamare saath kya hai, ye toh constant hai. That is why I can write, this is ln of n but n naught is proportion to this is t. Lekin saath yaha par kya lagta hai, yaha par minus sign. Kyunki minus sign kis ko show karta hai, decrease ko. द टाइम तेरे दिलो सरा सरा चे अगर अमाउंट सीखेगी तो गोरे गोरे द इन न मुराद से रहे सुमर अमाउंट पाते शो इन नाट न मुराद से रहे पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो बांधे सो न रहे उस गोरे राशे लेट सपोज इन नाट ते मा सरा 1000 किलोग्राम यो सेकंड टाइम तेर शो नियो सेकंड टाइम बाद द इन नाट हुबु मा 1000 लीके और द इन पजे मा ने हुबा 1000 नुई मतलब 900 शुलो बेनर सपोज तो यो काल बाद गोरी नो इन नाट को बहुमा 1000 हुई
खुदा बता सर उस 900 नी मे बी इट विल बी 100 यदि मतलब दा है छे न्यूमरेटर मुख से रसे कीगी न्यूमरेटर मुख से रा डिक्रीज की छे दा सुमर डिक्रीज कीगी नो समथिंग इन द न्यूमरेटर व्हिच इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर दे आंसर बस यू का बट द वन ना कम राइज और छे चला इन इन तो दा है वक्त ने द वन ना के मतलब मतलब दा पे द पैसेज ऑफ टाइम दा रेशियो छे रे It will decreases. When they decrease, the paramuga that is up to minus sign. When they ilin, or the determines like a graph muga plan to graph, a graph for that series. Ilin, in by in naga, or that the graph by a barazi yoga, katabazi. Graph shin a kabagora, katrazi. When if katrazi, zaka, kyunki, chitna time hamari saat guzar raha hai, badta hai. तो एन बटा एन नार जो था वो हमारे साथ बढ़ता तो नहीं था तो कम हो रहा था पहले ये भी हजार था ये भी हजार था अब ये 900 हो गया ये वही हजार है तो दैट इज व्हाई इस ग्राफ का अब ये हमारे साथ रिलेशन है इन दोनों के दरमियान अब जरा आ जाए और दोबारा इस इक्वेशन बनाते हैं एन बाय एन नार टर्म और ये मेरे साथ है माइनस लैम्डा इन टू टी इसको भी टी से डिवाइड करो इसको भी टी से ये और ये कैंसिल होगा तो ये एलन n by n naught divided by t is equal to minus lambda aur ab aap dekh le ye y axis par maine plot kiya hai ya x axis par ye y axis par aur ye time kya hai ye x axis par hai is equal to minus lambda aur y divided by x hamare sath kya hai slope is minus lambda graph bhi kiri main is tarah likh sakta hu ki lambda is equal to the negative of the slope Slope of what? The negative slope of ln of n by n naught versus a. That is why, अगर graphic आपसे पूछा जाए about lambda के बारे में हमारे साथ what is the graphical definition of this lambda? So this lambda is actually the negative slope of ln of n by n naught versus the time t. And similarly. वो जो मैंने स्टार्ट में फार्मूला लिखा था एक्टिविटी के लिए कि एक्टिविटी किसके बराबर है दिस इज लैम्डा इनटू एन के बराबर है तो इस एक्टिविटी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं एक्टिविटी इज इक्वल टू ये लैम्डा अपनी जगह पर और एन किसके बराबर है तो अभी हमने फार्मूला लिख लिया दिस इज माइनस लैम्डा इनटू टी आई कैन राइट ए इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट एंड दिस इज ई पावर माइनस और ये जो हमारे साथ लिम्डा एन टू एन नाट है ये किसके बराबर है ये ए नाट के बराबर है तो आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हो इन टर्म ऑफ व्हाट वी कैन राइट द इक्वेशन इन टर्म ऑफ द एक्टिविटी इससे पहले मैंने इन टर्म ऑफ एन लिखा था यही इक्वेशन हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ द एक्टिविटी तो ये हमारा डिस्कशन था अबाउट रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्योंकि इसमें लाफ रेडियो एक्टिविटी के फिर इसके बाद हाफ लाइफ था फिर एक्टिविटी फिर इसके बाद मीन लाइफ और फिर रिलेशन थे मीन लाइफ और हाफ लाइफ के दरमियान रिलेशन लिम्डा और हाफ लाइफ के दरमियान रिलेशन अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज अबाउट इससे रिलेटेड जब डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन करेंगे तो तब हमें अंदाजा होगा कि किस तरह उनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यही फार्मूला हम दोबारा रिविजिट करेंगे तो इसका एक और पोर्शन भी होगा और वो एमसीक्यू से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह